आसिबा संपूर्ण खबर को अर्चना नाग ब्लाकमेलिंग और धर्मेन्द्र साहू आत्महत्या घटना को नहीं बीजेपी रो नवीन निवास घेराउ उद्यम विराट शोभायात्रा रे जाउथवा बेले शिशुभवन छक अटकाइला पुलिस पुलिस और बीजेपी नेता को मध्य धस्ताधस्ती होता रास्तार बस धारणा देते बीजेपी नेता और कर्मी किसी आंदोलनकारी पुलिस उठाई नहीं बीजेपी कार्यालय एक शोभायात्रा रे आसी नवीन निवास अभिमुखे बाहरी बीजेपी नेता और कर्मी शोभायात्रा रे दलर राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र राज्य साधारण संपादक पृथ्वीराज हरिचंदन भुवनेश्वर जिला सभापति बाबू सिंह अन्य नेता सामिल होते धर्मेन्द्र साहू आत्महत्या घटन कार्यानुष्ठान ने अर्चना नाग प्रसंग में प्रभावशाली नेता तदंत परिसरभुक्त करने दावी में बीजेपी यही विक्षोभ कर आमर मुख्य अभियोग रहुची धर्मेन्द्र साहू का केस आ अर्चना नाग केस रे जो भली भावे अन्याय हेची न्याय दिया हेनी न्याय पे आम आज दाबी करछु आमे मुख्य अपोजिशन पार्टी आमर काम होची विषय को जनता ग्रहण को नहीं कि आसीबा राजरास्तार नहीं कि आसीबा न्याय पाए गुहार करबा ताहा आमे आज करूछु धर्मेन्द्र साहू का परिवार पाए तांको स्त्री मध्य अभियोग करिछि ऑडियो क्लिप मध्य वायरल हेछि आ जो भली भावे गोटे अण सरकार चलथिला अर्चना नाग हनी ट्रैप माध्यम रे ता विषय रे तदंत करबा पे आमे राजरास्तार ओलेइछु। गंजाम कालीपल्ली निकट होगा दीपक सार कारखाना को विरोध कारखाना पक्षर् आज पुणी काम आरंभ करने विरोध कर पांचटी पंचायतर बासिंदा जमी अधिग्रहण होता पर गोटे व्यक्ति को निजुक्ति और कारखाना संपर्क में सठिक तथ्य प्रदान नहीं दावी करते पांचटी पंचायतर बासिंदा दावी नहीं बहु थर कम आरंभ होगा पूर्व कम बंद होता आज पुणी कम आरंभ होगा समय गाँ लोके एकाठी हो विरोध कर घटनास्थल में चापा उत्तेजना लगि रही दृष्टि व्यापक पुलिस मुतयन होती तेज सार कारखाना को स्थानीय लोके विरोध कर दीपक सार कारखाना को गंजाम कालीपल्ली निकट होगा दीपक सार कारखाना को स्थानीय लोके विरोध कर दीर्घ दिन किंतु आज पुणी कारखाना पक्षर् कम आरंभ होगा विरोध कर पांचटी पंचायतर बासिंदा ए संपर्क अधिक सूचना आम सहित रही प्रतिनिधि कैलाश फोनलाइन रही कैलाश वर्तमान घटनास्थल में स्थित कौन पांचटी पंचायतर लोक विरोध कर स्थित किभली रही वर्तमान देखो निहते दीर्घ एक घंटा धरी जिते उत्तेजनामूलक परिस्थिति सृष्टि होता है पाखापाखि प्राय पांच प्लाटू पुलिस सहित छतरपुर एडीपीओ आसते घटनास्थल को आसी लोक बुझासुझा करते कारण जो रही कालीपल्ली पंचायत समेत अन्य चारोटी पंचायत पाखापाखि पांचटी पंचायतर बासिंदा आज एकजुट होते कारण पूर्वर से दीपक सार कारखाना को विरोध करते कारण जिते टाटा सेमु जमी नहीं समय प्रतिश्रुति जन व्यक्ति को चाकरी दे प्रति पर गोटे लेखे व्यक्ति को चाकरी दवा निम्ते प्रतिश्रुति किंतु से ही प्रतिश्रुति पालन करार टाटा संपर्क विफल होती जेहेतु टाटा पक्षर दीपक सार कारखाना को निर्माण करेणुक दीपक सार कारखाना को जहां कि विरोध करखापाखि पांच पंचायतर बासिंदा तेणु आज जेहेतु दीर्घ पूर्व बारंबार काम आरंभ कर जेहेतु प्रतिश्रुति को पालन करू नथिले तेणुक पांचटी पंचायतर बासिंदा मैंने विरोध करते किसी दिन पूर्व जिला स्तरीय मीटिंग पुलिस प्रशासन और दीपक फर्टिलाइजर जो मैंने कर्मकर्ता रही सहित पांचटी पंचायतर मुरबी मानू पूर्व बैठक होता से बैठक में कौन से प्रकार निष्कर्ष बाहरी नाला जहाँफल काम बंद कर दीपक फर्टिलाइजर तो आज पुणी थे काम आरंभ करने को चेषा करते एने अवगत होगापे पांचटी पंचायतर बासिंदा एकजुट होते उत्तेजनामूलक परिस्थिति सृष्टि होगापर पुलिस बुझासुझा करवर्त समय बर्तमान पाखापाखि 15-30 मिनिट पूर्व संपूर्ण कार्य बंद कर पुणी थे दीपक फर्टिलाइजर और यह सहित पांच खंड पंचायत बासिंदा को मध्य पुलिस पक्षर आश्वासन दिखाई जे पुणी थे जिला स्तरीय बैठक हम जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन दीपक फर्टिलाइजर कर्तृपक्ष टाटा कर्तृपक्ष पांचटी पंचायत बासिंदा को नहीं पुणी थे आलोचना हो आलोचना सफल हेले ही पुणी काम आरंभ होगा कि स्पष्ट सूचना मिली आउ गोटे कथा जानापे चाहिए निश्चित भाव कैलाश दीपक फर्टिलाइजर जदि कम आरंभ करुच्छे जनशुनाणी करा ना ना जदि पांचटी पंचायतर जो सरपंच रही स्थानीय जनप्रतिनिधि रही सहित जदि आलोचना करोसी निष्कर्ष बाहरी नाला तेज कम पुणी कौन पर आरंभ करागला पुलिस ए दिगरे किसी पदक्षेप नेब कि देखो पुलिस कौन से प्रकार पदक्षेप नौना कारण गोटे पटे जिला प्रशासन पूर्व आलोचना होता है और से आलोचना बारंबार विफल होगा
ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଦୀପକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲେ ଯେ କାମ ବନ୍ଦ କରିବେ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଦୀପକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ନାସି ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପଲିସର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାର କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୈଳାସ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀପକ ସାର କାରଖାନା ଯାହା ପୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇ ଦୀପକ ସାର କାରଖାନାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କାଳିପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅଧିକାର, ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ନଅ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଡ୍ରାଇଭର। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଏବେ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା ନିଆରା ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ନିବାସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଯାତ୍ରା ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବି ସରକାର ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭରର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ମୋଦି ହଉ କି ନବୀନ ସରକାର ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ସବୁ ବେକାର, ମୋଦି ହଉ କି ନବୀନ ସରକାର ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ସବୁ ବେକାର। ନବୀନ ତୁମେ ପାଇଲଟ ପୁଅ, ଡ୍ରାଇଭର ସମ୍ମାନ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଡ୍ରାଇଭରର ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ଆଉ ଅଧିକାର, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଡେଟ୍ କରିଯାଉ ଆମ ପରିବାର କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଦୁନିଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ବେଲ୍ଟ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଯାଇ ଚଳିବ, ଏମିତି ଦୁନିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରର ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ବା ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସରକାର ଜାଣିକି କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏତେ ଅବହେଳିତ କାହିଁକି ସରକାର? ଡ୍ରାଇଭର ଦୁଃଖ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା। ଯଦି ଆଜି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସିଏମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଆଜ୍ଞା, କାହା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ମରୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ କରିବ, ପର୍ସନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ମାନେ ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 400 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପଲିସି ଯଦି ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ 600 ଟଙ୍କା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହଁ? ଆମର କ'ଣ ଜୀବନ ଅଲଗା କି? ତେଣୁକରି ଆମକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଖି ମାନେ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ଆଜ୍ଞା, କରୋନାରେ ଖଟିଲୁ କରୋନାରେ ବି କିଛି ପାଇଲୁନି। ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ? ରାତି ପାଇଲେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାକେ ସବୁଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ହାତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ହାତ ନଥାନ୍ତା ସଂସାର ଚାଲନ୍ତାନି। ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଠପ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। 3 ଥର ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁଣି, 3 ଥର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁଣି, ଏଇଥର ଆମର ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ନିହାତି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ଦିଆଯାଇଛି ଦାବିପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୌଣସି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନିଆରା ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଗୁଜରାଟ ମୋରବି ମଛୁ ନଦୀରେ ହୋଇଥିବା ଝୁଲା ପୋଲ ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 134ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ 78 ଜଣ, ସେହିପରି 56 ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ସମେତ ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ଯବାନମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର 50 ଜଣ ଯବାନ, ବାୟୁସେନାର 30 ଜଣ ଯବାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 170 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁଜରାଟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ସାଂଘଭି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଘଟଣାର ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂଘଭି। ବ୍ରିଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଓରୁଓ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଦଫା 304, 308 ଏବଂ 114 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ କମ୍ପାନୀର 9 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଗୁଜରାଟ ଏଟିଏସ୍। 2 ଜଣ ମ୍ୟାନେଜର, 2 ଜଣ ଟିକେଟ୍ କ୍ଲର୍କ, 3 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ 2 ମରାମତି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ପଚରାଉଚରା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଐତିହାସିକ ଝୁଲା ପୋଲ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ନଦୀରେ ଛିଣ୍ଡି ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲ ତଳେ ନଦୀରେ 15 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ପୋଲରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା 100+ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିଲାଗି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ରାଜକୋଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। जानकारी हमें है कि 2 लोगों की मिसिंग होने की बात कही जा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऑपरेशन कुछ ज़्यादा देर चलेगा। ये लोग अकाउंटेड फॉर हो जाएंगे तो इसके बाद संभवतः ऑपरेशन क्लोज कर दिया जाएगा। कल से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने और वहाँ पर जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स थे, लोकल लोग थे, उन लोगों ने मिल करके तकरीबन 170 से ज़्यादा लोगों को बचाया। आपका नाम? डाइवर मोनू। मोनू, yes, मोनू साहब, आप पहले भी डाइव करके वापस गए थे, फिर आपने हमें अपनी बोट में बैठाया, अब आप फिर डाइव कर रहे हैं। yes, sir, exactly. कितना मुश्किल भरा होता है? मुश्किल है, यहाँ पे विजिबिलिटी कम है और यहाँ पे गार्बेज भी ज्यादा है नीचे, तो डिफिकल्टीज है, सी के मुकाबले भी ज्यादा डिफिकल्टीज है, सी के मुकाबले। लेकिन आप लोग तो प्रोफेशनल्स हैं, आप इंडियन कोस्ट गार्ड के बेस्ट डाइवर्स हैं। यस, बट वी कैन डू। You can do. Yes. तो अभी आप यहाँ पे डाइव करेंगे और कितनी देर में वापस आएंगे? सर, I'll try my best and my senior will give my command. And whenever आप लोग इनको चीफ बोल रहे हैं, yes, इनसे बात करते हैं, इनको चीफ के तौर पे यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। सर, कितनी देर में ये वापस आ सकते हैं? ये डाइविंग सेट है, डाइवेक्स का है। हाँ। इसका ड्यूरेशन है मैक्सिमम 2 आवर्स है। हाँ। तो हमने 15 मिनट्स वगैरह को कॉल अप करेंगे, ड्राइवर को कंडीशन पूछेंगे कैसे है, तो 15 मिनट गैप देंगे, फिर बुलाएंगे, पूछेंगे कंफर्टेबल है, उसके बाद दोबारा भेजेंगे। अच्छा, ये पीछे सिलेंडर्स है, है ना? यस सर, सिलेंडर। और क्या क्या है आपके पास? ये सर मेरा फेस मास्क है। हाँ। और ये मेरी लाइफ लाइन है। दीज आर माय फिन्स एंड ऑल दीज आर डाइविंग इक्विपमेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट सर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज टू द नेशन। हम इस वक्त इंडियन कोस्ट गार्ड की इस नाव में है। स्ट्रैटेजी सर, वो स्ट्रैटेजी बताइए, जब आप 2 लोग एक साथ पानी में उतरते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होता है? नहीं, पहले सर एक बंदा भेजेंगे। हाँ? एक स्टैंड बाय रहेगा कुछ इमरजेंसी। हाँ? के लिए कुछ, अगर पहले ड्राइवर कुछ हो गया। हाँ? तो सेकंड ड्राइवर उसको रेस्क्यू के लिए जाएगा। हाँ? तो फिर फर्स्ट हमने फर्स्ट ड्राइवर को भेजेंगे। हाँ? मैं उनको सेवर रहूंगा। सर, एक और सवाल मेरा, कितने फीट गहरा है? हमारे सुबह से सवाल आ रहे हैं स्टूडियो से, कितने फीट गहरा ये पानी है? दिस इज अप टू दी अबाउट 10 फीट, इट इज अप्रोक्सीमेटली, दिस एरिया इज 10 फीट। क्या अंदर क्या क्या है भैया, अगर बता सके? सर फिलहाल तो थोड़ा बहुत मड है। मड है सर। हाँ, बट हाँ, कुछ भी सस्पेक्टेड नहीं है। तो ये पूरा पैच क्लियर हो गया? यस सर, मैंने 5 मीटर के डायर में यहाँ पे अभी सर्कुलर सर्च किया। हाँ, तो अभी क्लियर है। वापस चले गए कि ड्राइवर दूसरे ड्राइवर के पास ऑपरेशन कब हो गया है? ओके ओके, तो एक कोई बॉडी रिकवर हुई है, उसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। इंडियन नेवी के जवान हैं, ये आए हैं और ये बता रहे हैं कि हमें एक डाइवर की जरूरत है। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन भी बना के रखा जाता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, एनडीआरएफ में कि स्मूथली इन रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। और अब यहाँ से हमें पीछे हटने को कहा गया है क्योंकि क्रेन के जरिए दूसरा जो डेब्री है, जो दूसरा पिलर आपको दिख रहा है लोहे का, इसको हटाया जा रहा है। लालजी भाई, ये बताइए कि आप यहाँ पे पीछे रहते हैं, ठीक है, और आपने बताया कि आप लोग सब यहाँ पे थे जब ये हुआ, तो ये कोलैप्स क्यों हुआ, क्या कारण था कोलैप्स होने का, क्योंकि नया बना था? अच्छा, अगर कंपनी की भी गलती है तो हमें पर जो खबर आ रही है कि 600-700 लोगों को अलाउ कर दिया था एक दिन में, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं, तो आपने क्या देखा, क्या दृश्य देखा आपने उसमें? दृश्य तो हमने कुछ नहीं देखा, बाद में मालूम चला। हाँ। तो हम 15-20 मिनट के बाद
यहाँ चले दौड़ के आए। बाद में ये जो देखा तो मंजिल में तो क्या यहाँ के हमारे इलाके के जो मुस्लिम बिरादरी लोग है वो तेरा कुए उसने डेड बॉडी निकाले, कहीं जिंदा लोग निकाले और ऐसे रेफ्यूजी उसने बहुत मदद की। बाद में तो यहाँ जो लोग लड़के थे वो हल्ला बोल कर रहे थे, हिचकिचा रहे, वो हिला रहे थे, इसमें ये ब्रिज हिला रहे थे। कौन हिला रहा था? वो लड़के जो सीसीटीवी में आया है। हाँ। बाद में ये अनबैलेंस हो गया। हाँ। तो सीसीटीवी में आया है लड़के ब्रिज थोड़ा कुछ आया है। हाँ। बाद में तो उसका नेटवर्क भी टूट गया। तो ऐसा हुआ है कि लड़के कुछ बदमाशी कर रहे थे? ऐसा लग रहा है कि वो कुछ शायद आनंद ले रहा था कि क्या कर रहे थे, मगर ब्रिज काफी साल पुराना है। काफी साल पुराना। लेकिन जब ये पहले खराब, जब पहले ये सही हालत में नहीं था तो आप लोगों को डर लगता था, लेकिन जब रेनोवेट हो गया था तो आप लोग एक तरीके से आश्वस्त हो गए थे ना कि अब ये ब्रिज मजबूत हो गया। हो गया था। पूरा हो गया था, मगर जो कुछ मानव प्रकृति है ना वो कुछ भी कर सकता है, शायद कुछ भी हिला सकता है, तोड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या अजंता कंपनी वालों की भी गलती है? नहीं, उसमें तो बहुत कुछ नहीं, मगर ज्यादा पब्लिक हो गई थी और टिकट भी लेते थे। टिकट भी लिया तो उनका काम होना चाहिए कि ज्यादा लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, वो उसमें तो वैसे ही चले आते थे लोग, ताकि उसमें तो क्या किसको मना करे, ऐसी हालत हो गई थी। ऐसी हालत हो गई थी। आसे परवर्ती खबर को जे झूला पोल छिंडार लाइव भिजुआल आमर हस्तगत हो सीसीटीवी रे कैद होता झूला पोल ए दृश्यटी को आपड़ देखिले आपणकर हृदय मध्य किसी क्षण पर अटकी जीव जे गत काली संध्या झूला पोल रे 500 रु अधिक लोक उपस्थित थिले एवं हठात पोल उपरे किछि लोक पोल को दोहलाइबारे लागिथिले। हठात झूला पोलटी खेलु खेलु छिंडी जाइथिला आ एहार किछि क्षण पर एही ब्रिटिश अमलर झूला पोलटी छिंडी पानी रे गली पड़ीथिला एवं नदी रे 10-15 फुट रो पानी प्रवाहित होउथला। चाहू चाहू झूला पोल रे थिबा सह सह संख्या रे लोक नदी रे खसी पड़ीथिले आ सेति मध्येरु 334 जणकर मृत्यु होइथिबा बळे एबे भी अनेक निखोज रहिछन्ते। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बंद हेब धवलेश्वर झूला पोल आसंता काली बंद रहिबो धवलेश्वर झूला पोल पोल उपरकु कहाकु छोड़ा जीवो नाही। झूला पोल उभय पार्श्वरे रास्ता को बंद करिबो स्थानीय प्रशासन, जेहेतु झूला पोल स्थिति भलो नाही ताकु नजर रखी एभली पदक्षेप निया जायछि। सबले धवलेश्वर झूला पोल ग्राउंड रियलिटी चेक करिछि एक्सपर्ट टीम। कोलकाता आसीथिबा 8 जणिया विशेषज्ञ टीम पोल स्थिति परखिछन्ति। धवलेश्वर झूला पोल डिजाइन करिथिबा टीम रो सदस्य अशोक बसा विभिन्न दिग उपरे स्थिति परखिछन्ति। पोल रे सतर्क सूचना लगाई प्रशासन। यात्री जातायात संख्या 200 मध्ये सीमित रखा निर्देश दिया जाए। आज मध्यरात्रु पोल बंद रही कटक जिलापाल कहते अधिक लोक जातायात उपर कटक भी लागू करपरी आसंता वर्ष मध्य नूतन पोल कार्य शेष हेले भक्त उपकृत हो पारे। धवलेश्वर जो झूला पोल रही तार से विषय आमर गत काली गोटे टेक्निकल कमिटी जाकर सेमाने रिपोर्ट देचंती। सब कलेक्टर सहित आज मुझे कथबार्ता एवं आज गोटे टीम आमर ऑफिसर एडीएम को एडीएम को रो लीडरशिप रे सेमाने से जाउचंती से जगह को सेमाने रहीकिरी ताकु अनुध्यान करिवे एवं काली ठारू गोटे दिन बंद रहिबो रिपेयरिंग पाई, किंतु तापरे जदि सेटा आवश्यकता रहिबो तारो
ताले बहुत लिमिटेड वे रे मध्यम ताकू व्यवहार करा जाई परिबो। धामनगर उपनिर्वाचन प्रचार शेष पर्याय बाजी जितिबा को समस्त लगाई कलबल समय कम तेणु लोकंकर मन जितिबा को घर घर बुलुछंती सबु दल आज प्रचार को लाइबे मुख्यमंत्री बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक वर्चुअल प्रचार करिवे 13 स्थान रे नवीन को सुनिबा को व्यवस्था करा जायछि। तबे एहा पूर्वरु बीजेडी प्रार्थी अवंती दास को पाई प्रचार करिछंती कृषि मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई। तबे धामनगर जाई जोरदार कैंपेन करिछंती शासक दल प्रार्थी को वोट देवा पाई धामनगर वासी को अनुरोध करिछंती। मा माने विशेषतः साइलेंट वोटर्स से माने मुख्यमंत्री कार्यक्रम प्रतिफलित होती है। गरीब गुरबा लोक जो मैंने स्वास्थ्य कार्ड द्वारा प्रत्येक दिन आम 2 कोटी टका मिनिमम खर्च हो तो गोटे मसरे आम मिनिमम 100 करोड़ हो गरीब लोक ताद्वारा एत उपकृत होती से कभी भूल। आज ओडिशा कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा भुवनेश्वर इंदिरा गांधी पार्क रे यात्रा आरंभ होई छि। प्रभारी चेला कुमार जोगदेवा सह अन्य नेता माने मध्ये जोग देइछंती। आज पार्क रु आरंभ होई नखरार लोकेश्वर मंदिर पर्यंत चलिबो। दिनकु 20 किलोमीटर चलिबो कांग्रेस पदयात्रा। 27 जिल्ला रे पदयात्रा करा जिबो। धामनगर उपनिर्वाचन पई 2 और 3 तारीख बंद रहिबो। नेतांक पई प्रति 20 किलोमीटर रे ट्रेन रो व्यवस्था मध्य करा जिवो। सेठा नेतांकर रहिबा ओ खाइबार व्यवस्था करा जिवो। यात्रा समय रे कांग्रेस रो विभिन्न सेल सहित एसएससी महिला बुद्धिजीवी क्रीडाविद को भेटिबे। चासी को भेटी विभिन्न प्रसंग उपरे आलोचना करिबो कांग्रेस। एथि सहित केंद्र सरकार दरदाम वृद्धि करी किपरि लोकंकु हंतसंत करूछंती से बाबदरे मध्य अवगत कराइबो कांग्रेस। आरंभ होछि कांग्रेस रो भारत जोड़ यात्रा ओडिशा बा जहाँ को कहुची ओडिशा परिवर्तन यात्रा। तेणु आम आपको देखू चित्र जो पारंपरिक वाद्य रही वाद्य रही दुड़ी बाजुची घंट बाजुची सेपटे झंच बाजुची तेणु जो समस्त सामिल होती छात्र कांग्रेस युवा कांग्रेस महिला कांग्रेस कांग्रेस नेता कर्मी मैंने समस्ते सामिल होते धारे। तेणु विशेषकर आम कहीपर प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति आह्वान क्रमे ओडिशा रे 90 दिन धरी एभली भाव चलो पदयात्रा। सबुठ बड़ कथा हूँ 2250 किलोमीटर यह पदयात्रा करा। तेणु जदि आज ये कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति एवं सेपटे प्रभारी डॉक्टर ए चेला कुमार एवं तांगे कहीपर कांग्रेस सबु वर्गर नेता मैंने पूर्वतन प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति आरंभ कर कांग्रेस तुंग नेता मैंने सामिल होती आईज पार्क रु जदि ये कार्यक्रम आज आरंभ होई छी या नखरार लक्ष्मेश्वरी मंदिर पाखरे रहिबो एवं ता परवर्ती समय रे जो मध्य प्रत्येक दिन 20 किलोमीटर यात्रा करा जिवो। एवं सबटे बड़ कथा होउछि ए जो 20 किलोमीटर प्रतिदिन रही छी तणु सेथिरे प्रत्येक जिल्लार जोठी कार्यक्रम आज जाय रहिबो ता परदिन जो जिल्ला को जिवो से जिल्लार मध्य कर्मकर्ता माने शामिल हेबा बु छाडीबे। तणु सबटे बड़ कथा होउछि कि जेहेतु विभिन्न प्रकार चाषी अच्छा बहु बुद्धिजीवी संगठन एवं सांस्कृतिक संगठन से संगठन कर्मकर्ता मैंने ये कार्यक्रम जोगदेवे। सबुठ बड़ उद्देश्य हो भारत को जोड़ा अर्थात ओडिशा को जोड़ा एवं जहाँ केन्द्र सरकार जो राज्य सरकार जो विफलता रही सामना को आ लोकलोचन को आने मानक मुख्य आभिमुख्य रु। सब बड़ कथा हो गोटे बड़ प्रसंग सामना को आसूँ जितेबले कांग्रेस 22 वर्ष है क्षमतार नहीं ये कांग्रेस किभली भाव में आस्थाभाजित हे कांग्रेस किभली भाव में लोकलोचन को आसो वा लोक आस्थाभाजित हे ताही तो गोटे बड़ प्रश्न। तेणु ये गोटे बड़ आभिमुख्य नहीं कांग्रेस भारत जोड़ यात्रा ओडिशा कर तेणु जदिओ राहुल गांधी सेपटे कार्यक्रम को त्वरान्वित करपटे ओडिशा कार्यक्रम को ओडिशा कांग्रेस पक्ष आयोजन करेणु ये आयोजन को केत दूर राज्यवासी ग्रहण करेंगे ताही तो समय कह किंतु यही परिप्रेक्षी प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति प्रत्येक दिन चलिए केवल 2 दिन धामनगर निर्वाचन पर 2 तारीख और 3 तारीख ए कार्यक्रम को स्थगित कर। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन आशीष सुमंत सुंदर राय निकिट नुड़िया।